हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि पीएचपी में हम लोग लोकल सर्वर के जरिए कैसे ईमेल को सेंड करते कर सकते हैं किसी भी बंदे को। ठीक है, लोकल सर्वर का मतलब ये है, जैम्प है, वैम्प है या लारागोन है आपके पास, उससे आप मेल कैसे भेज सकते हैं। क्योंकि बेसिकली आपको पता होगा, जब मेल भेजना होता है तो हमें लाइव सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। लाइव सर्वर मतलब किसी, जैसे आपके होस्टिंग वगैरह है, गोडैडी है, अमेजोन वेब सर्विसेज है, कहीं पर भी मतलब आपका वेबसाइट जो लाइव होना चाहिए तब वो मेल जाते हैं। बट हम लोग अपना जो लोकल सर्वर है उससे भी ईमेल को भेज सकते हैं। तो आइए हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग भेजते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेल भेजना है, ठीक है, उसके कई सारे तरीके भी हैं। जैसे स्टैंडर्ड तरीके वो हैं, जैसे सेंडग्रिड है, चिप मेल है, ये मेल है जो कि स्टैंडर्ड लोग यूज़ करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां यूज़ करती हैं मेल भेजने के लिए। बट अगर आपको छोटा मोटा कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, मेल भेजना है, तो हम लोग लोकल सर्वर के जरिए भी, लोकल सर्वर मतलब जीमेल के जरिए भी भेज सकते हैं, जब आपकी वेबसाइट होस्ट हो जाती है। तो फिलहाल मैं आपको बताऊँगा कि हम लोग लोकल सर्वर के जरिए कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो मैं बताता हूँ ये वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, तो टू में मैंने डाल दिया यहाँ पर एक मेल एड्रेस, सब्जेक्ट का नाम डाल दिया टेस्टिंग मेल फ्रॉम लोकल, यू कैन सेंड मेल फ्रॉम लोकल सर्वर, ओके। ठीक है, ये मैंने डाल दिया, मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है, ईमेल सेंड टू दिस ईमेल एड्रेस, ठीक है, हम लोग जाएंगे यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, देखिए तुरंत आ गया, आई कैन सेंड मेल फ्रॉम लोकल सर्वर। इसमें डिटेल में जाते हैं, ये मेरा सब्जेक्ट है मैंने जो डाला, ये टाइमिंग है। ठीक है, तो ये TLS वगैरह इसने स्टैंडर्ड एनक्रिप्शन वगैरह करके दिया है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि जब मेल हमें भेजना हो, कोई फॉर्म बनाना है, मेल भेजना है, तो उसके स्टेप्स क्या है। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको जैम सर्वर में जाना है। ठीक है, एडमिन कॉन्फिग में जाना है, यहाँ से php.ini को ओपन करना है। ठीक है, या तो आप जैम के फोल्डर में जाएंगे, जहाँ पे आपका जैम जैसे एज जैम्प है, यहाँ पे जाना है। तो हम लोग php.ini फाइल ढूंढ रहे हैं, तो वो बेसिकली php में ही रहती है। अब मैं आ गया यहाँ पर, और php.ini किधर है, यहाँ पर, इसको मैंने ओपन कर लिया, मैंने ऑलरेडी चेंजेस करके रखे हैं। ठीक है, ये रहा, यहाँ पर आपको आना है SMTP मेल पर, यहाँ पर ये जीमेल रहेगा और पोर्ट नंबर रहेगा। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ फिलहाल, क्योंकि ऑलरेडी मैंने खोल के रखा है। ये रहा दोस्तों, मैं दिखा देता हूँ SMTP, चला गया। ठीक है, आपको SMTP ढूंढना है दोस्तों। दो लाइन के कोड में दो चेंजेस करना है, एक तो SMTP जीमेल पहले से ही रहेगा, अगर नहीं रहेगा तो आपको ये डालना है, क्योंकि हम लोग जीमेल के थ्रू हम लोग मेल्स भेजने वाले हैं। ठीक है, और ये पोर्ट नंबर डालना है, पोर्ट नंबर 487 डालना है आपको, 587 डालना है या 2525 डालना है, दोनों में से आप कोई भी डाल सकते हैं। फिर ये नीचे देखना दोस्तों कि ये send mail underscore फ्रॉम के बाद आपको आपका मेल एड्रेस डालना है, जिस मेल से आप सबको भेजने वाले हो मेल। ठीक है, और दोस्तों ये जो सेमी कॉलन दिख रहा है, ये कमेंट, इसका मतलब कमेंट होता है, तो ये ध्यान रखना कि ये वाला और ये तीनों अनकमेंट हो। ठीक है, अब ये चेंजेस करने के बाद आपको क्या करना है, आपको, हाँ दोस्तों ये बोलना भूल गया, ये जो दिख रहा है यहाँ पे भी आपको ये कोड डालना है, ये जो लाइन कॉल वाला कोड है ये डालना है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाल लेना, क्योंकि ये जो रहता है, अगर आप जैम को डाउनलोड करते हो तो ये पार्ट जो रहता है ये नहीं रहता, सिर्फ सेंड मेल अंडरस्कोर पाथ ही होता है, तो आपको ये कोड डालना पड़ेगा। तो मतलब टोटल चार चेंजेस है, एक यहाँ पे, दो ये, तीन और ये चार। तो ठीक है, पोर्ट नंबर ध्यान रखना 587 है लिखना, और यहाँ पे मेल एड्रेस, और यहाँ पर ये पार्ट यहाँ पर जरूर डालना। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये तो मेरे ख्याल से रहता ही पहले से, तो हम लोग इसको कंट्रोल एस करेंगे। कंट्रोल एस करने के बाद सेकेंड स्टेप आता है कि हमको अब जैम के ही सेंड मेल का एक फोल्डर होगा, उसमें जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर जैम में आ गया, अब मैं जाऊँगा सेंड मेल में,
और जो ये फाइल दिख रही है सेंड मेल डॉट कॉन्फिग्रेशन, ये फाइल आपको ओपन करनी है। मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखी है। इसमें आएंगे तो देखिए टोटल 70 लाइन का कोड है, ज़्यादा नहीं है। तो आपको यहाँ पर कुछ कॉन्फिग्रेशन करना है। एसएमटीपी सर्वर जो वहाँ पर था .php.ini में था वो यहाँ पे होगा। पोर्ट नंबर सेम होना चाहिए जो वहाँ पे डाला था 587। और यहाँ पर आ गया यूज़र नेम, तो मैंने अपना ईमेल एड्रेस डाले जिससे मुझे सबको भेजना। ये पासवर्ड है, पासवर्ड एक्चुअली मेरा ये नहीं है, मैंने कुछ और डाला है, बट सिक्योरिटी के पर्पज़ से मैंने कुछ भी यहाँ पे डाल दिया। बट आपको ओरिजिनल पासवर्ड डालना है जो इस मेल के साथ आप यूज़ करोगे, नहीं तो आपका मेल नहीं जाएगा। फोर सेंडर में भी वही करना है, फिर नीचे आना है और ऑथ यूज़र नेम में सेम वही, फिर यहाँ पे पासवर्ड डालना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखो। कंट्रोल एस करना है, कंट्रोल सेव करना है। ठीक है, कंट्रोल सेव करने के बाद आपको जैम में जाना है और इसको स्टॉप कर देना है, क्योंकि मुझे रीसेट करना है, रिफ्रेश करना है। तो वापस से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मैंने कंट्रोल एस कर दिया, इसको भी कंट्रोल एस होल्ड कर चुका हूँ। उसका फ़ायदा नहीं क्योंकि मैंने जैम सर्वर ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया, तो उसके बाद कंट्रोल एस करने का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग जाते हैं फिर से एक बार देखते हैं मेल जा रहा है कि नहीं। कभी कभी होती है कि कंट्रोल एस करने में या कुछ गड़बड़ हो जाए। टेस्टिंग मेल न्यू, ठीक है, हेलो आई एम सेंडिंग। ठीक है, अब मैं इसको हिट कर देता हूँ। ठीक है, ये मेल जा चुका है। अब हम लोग यहाँ पे आएंगे, हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, टेस्टिंग हेलो आई एम सेंडिंग जो अभी करेंटली मैंने टाइप किया था, और ये टेस्टिंग मेल, ये इनक्रिप्शन वगैरह फॉर्म में भेजता है प्रॉपरली। बट एक चीज़ और भी है कि इतनी सेटिंग करने के बाद भी समटाइम्स क्या होता है कि मेल फेल हो जाता है। फेल क्यों हो जाता है? क्योंकि आपको गूगल में जाके एक सेटिंग करनी, गूगल को बताना है कि मैं अपने लोकल पर्पज़ के लिए इस मेल को यूज़ करना पड़ता है, पर चाहता हूँ तो वो एक सेटिंग दे, आपको सेटिंग देगा, आपको वो यूज़ करना है। क्या सेटिंग है मैं बताता हूँ आपको। जस्ट टाइप करना है गूगल लेस सिक्योर है, उसके बाद सिक्योरिटी में जाना है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने ओपन कर रखा है। डेटा एंड पर्सनलाइजेशन के नीचे सिक्योरिटी होगा, इस पर आप करेंगे। सिक्योरिटी इशू फाउंड, यहाँ पे आना है, नीचे 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 लेस सिक्योर ऐप एक्सेस को ऑन कर देना है। ये ऑफ ही रहेगा, बट आप ऑन करोगे तो आपका मेल जा सकता है। तो इस तरह से हम लोकल सर्वर के जरिए मेल सर्वर को सेंड करते हैं दोस्तों। तो ठीक है, वीडियो आई होप आपको पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।